अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक और मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी कर दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया है। केजरीवाल ने यह फैसला संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद किया है। पेशे से वकील संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से विधायक है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से ही केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। ये वो मंत्री हैं जिनके बारे में ये खबर चली थी कि वो रोज सुबह उठकर अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। संदीप की पत्नी रीतू भी उन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है। दिल्ली में मंत्री के सेक्स स्कैंडल मामले में पक्ष ने तीखे तेवर अपना लिए हैं। बीजेपी ने आज सुबह सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने मांग की है कि संदीप कुमार समेत महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी सभी विधायकों का विधानसभा से निष्कासन किया जाए। देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वो 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पर कायम है और इस बार की हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी 12 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया है और सरकार एक तरफा तरीके से श्रम सुधार लागू कर रही है। केंद्रीय संगठनों ने दावा किया है कि इस साल हड़ताल से करीब 15 करोड़ श्रमिक शामिल होंगे और ये पिछले साल से भी बड़ी होगी क्योंकि इस बार भारतीय मजदूर संघ के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ इकलौता ने फिलहाल हड़ताल की इस घोषणा से अपने को दूर रखा हुआ है। हरियाणा में जमीन घोटाले मामले में डिंगरा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने कानून को ताक पर रखकर वाड्रा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया। कमेटी में 6 मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट से सियासी गलियारों में हड़कंप मची हुई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र सहित उनके धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इनमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। अनेक सरकारी अधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर जा रहा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल काफी बड़ा होगा। इसमें अलग अलग दलों के 26 सांसद होंगे। सरकार चला रही बीजेपी के सांसद अलग होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बार कश्मीर में करीब 30 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसके अलावा कई अफसर भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ होंगे। देश में कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेश निवेशकों को अब निवासी का दर्जा दिया जा सकता है, जिससे वो देश में मकान खरीद सकेंगे और उनके लिए वीजा व्यवस्था लचीली की जाएगी। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी का अवसर और अन्य सहूलियतें भी दी जाएंगी। राजमहल पैलेस को सील करने को लेकर अब राजघराना सड़कों पर उतर आया है। पहली बार जयपुर राजघराने की तरफ से विज्ञापन निकालकर मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों को राजमहल में जुटने की अपील की गई है। इस विवाद से ठीक एक दिन पहले जयपुर से भूटान गई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जयपुर लौटी है। राजस्थान में सामाजिक संगठन और राजपूत संगठन सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और सरकार राजमहल मामले को महारानी और राजकुमारी का झगड़ा बताकर चुप्पी साधी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया है। उत्तर प्रदेश में अब विधायकों के वेतन में 70% की बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए सरकार ने कल ही विधायकों का वेतन बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश कर दिया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों का बंगला बचाने के लिए कानून बना। मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ा, मंत्रियों का वेतन बढ़ा, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। पैसेंजर ट्रेनों की हाल ही में पटरियों से उतरने की दुर्घटनाओं के मद्देनजर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल प्रशासन को पूरे देश में रेलवे सेफ्टी मुहिम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे ने सितंबर के पहले पखवाड़े में रेलवे सेफ्टी मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसके तहत पूरी कार्यप्रणाली को बार बार जांचा परखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूर बनाने की रणनीति बनाई है जिनमें वो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के 52 राज्यसभा सांसदों से कहा कि वे अपने अपने राज्य की ऐसी एक एक उस लोकसभा सीट को चुने। अमित शाह ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि वे ऐसे एक एक लोकसभा क्षेत्र को गोद में ले जहां पार्टी 2014 में पराजित हुई थी।
उन क्षेत्रों में सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड को व्यय करे। उन्होंने कहा कि सांसद इन क्षेत्रों को अपनी सीट मानकर खर्च करे। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है और उपराज्यपाल इसके प्रशासनिक प्रमुख है। आपके मुताबिक उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पूरे फैसले को कई आधार पर चुनौती दी, क्योंकि ये असंवैधानिक है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि वो विधानसभा सचिव प्रसन्ना कुमार को पद से नहीं हटाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी में जिक्र किया है कि प्रसन्ना कुमार की सर्विस की अनुमति 2018 तक दिल्ली सरकार से मिली हुई है। वाराणसी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग के प्रमुख पर छात्रा ने छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच पूरी होने तक विभागाध्यक्ष को कार्य मुक्त कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत से अपनी रवानगी कम से कम 2 दिन के लिए टाल दी है। उनके इस आकस्मिक फैसले को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को मुलाकात के बाद कैरी के आधिकारिक कार्यक्रम समाप्त हो गए थे और उन्हें शाम 5:30 बजे रवाना होना था। अब जॉन कैरी शुक्रवार या शनिवार को चीन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, जहां वो G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिरकत करेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या चीन यात्रा का कैरी का फैसला अंतिम समय में लिया गया या उनके किसी दूसरे देश के दौरे को रद्द किया गया है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदाग खान बुगती ने दो टूक कहा है, पाकिस्तान से किसी भी बातचीत से पहले पाकिस्तान सेना को बलूचिस्तान को छोड़ना होगा। बुगती ने चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया तो उसे 1971 से भी ज्यादा बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान वर्ष चीन से कम 8 लड़ाकू पनडुब्बियां खरीदेगा। चीन के लिए सबसे बड़ा हथियार निर्यात माना जा रहा है। ये सौदा लगभग 4 से 5 अरब डॉलर का होगा। पाकिस्तान ने फिलहाल 8 पनडुब्बियों में से 4 खरीदने के लिए अनुबंध सुनिश्चित कर लिया है। ब्राजील की राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ को पद से हटा दिया गया है। ब्राजील की संसद ने जरूरी 2/3 वोट देकर उनकी राष्ट्रपति पद से विदाई कर दी। जिल्मा रुसेफ पर भ्रष्टाचार का आरोप था। देश के बजट में गड़बड़ी को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे थे। सितंबर महीने की 1 तारीख से आम आदमी को महंगाई का झटका लगने वाला है। पेट्रोल के दाम में 3.38 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.67 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। इसके पहले 15 अगस्त को पेट्रोल के दाम में 1 रुपए लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी, जबकि 30 जुलाई को भी तेल कंपनियों ने समीक्षा के बाद पेट्रोल के दाम में 1.42 रुपए लीटर और डीजल के दाम में 2.01 रुपए लीटर की कटौती की थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।